Hi friends, I am Paresh. Welcome to my YouTube channel. The today topic is SQL statements. So, what do you mean by SQL statement? What is the requirement of SQL statements? How many types of SQL statement? On detail today we'll learn. Okay, we'll cover the basic things today. After then we'll start. I will execute project. After then we'll start the commands to use the commands. Okay, first we'll cover basic things only. Basic topic only. I have this is notes for beginner students who is ready to take notes, who is preparing for notes. This is for you only. And how many types of SQL? First we'll discuss what is the SQL statement. For you supposed to know what is SQL statement. Statement means like a command of bol sakte ho, syntax bol sakte ho, statements hai na. There are five types of SQL statements. तो उसी का अंदर वो कमांड का ग्रुप होता है. जो स्टेटमेंट बोल रहे हो ना आप एक्सक्यूएल में, ऐसा समझ सकते हो एक कमांड का ग्रुप होता है. जो कमांड होता गया ना, इसी डीडीएल, डीडीएल का अंदर बहुत सारा कमांड रहेगा. एंड डीएमएल बहुत सारा कमांड रहेगा. तो डीसीएल बहुत सारा उसका अंदर भी कमांड रहेगा. उसी कमांड का डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन होता है. उसी कमांड को हम परफॉर्म करके हमारा डाटाबेस में चेंजेस करेंगे. आगे जाके हम देखेंगे उसी का ऊपर ही हम आगे जाके देखेंगे. ठीक है, तो बेसिकली फिलहाल हम देख लेंगे डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. तो उसी का अंदर, उसका अंदर कुछ बहुत सारा कमांड्स आता है. तो मैं बना लिख के रखा हूँ. जैसे डीडीएल का अंदर क्रिएट आता है, ऑल्टर आता है, ड्रॉप आता है, ट्रंकेट आता है. मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करके समझाऊंगा भी. ऐसे पांच टाइप का होता है, फाइव टाइप का होता है एक्सक्यूएल कमांड्स. तो डीएमएल होता है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, एंड डाटा कंट्रोल लैंग्वेज डीसीएल होता है, टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है, एंड डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज होता है. ठीक है, दे आर बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट फाइव टाइप ऑफ एक्सक्यूएल स्टेटमेंट्स. आप एक्सक्यूएल कमांड भी बोल सकते हो. तो इंटरव्यूअर पूछेंगे, एज ए बिगिनर स्टूडेंट यू कैन टेक एज नोट. ओके, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. कौन सा सिंटेक्स, कौन सा जो कमांड है अल्टर क्रिएट, कौन सा कमांड किसी स्टेटमेंट का अंदर, किसी ग्रुप का अंदर आता है, आपको बताना पड़ता है. एक्चुअली इंटरव्यूअर वो क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है, तो हम बेसिकली डीडीएल का ऊपर ही पढ़ेंगे कल से हम. अच्छा, जितना सारा हो बाकी चार जो है डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल, डीक्यूएल सब कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम देखेंगे, थोड़ा अच्छा से समझेंगे हम इसके बारे में. तो डीडीएल जो है ऑटो कमिट होता है. तो ऑटो कमिट उसका मीनिंग्स मैं समझा देता हूँ. मीन्स क्रिएट, लाइक क्रिएट कमांड उसका अंदर आता है, अल्टर आता है, ड्रॉप आता है, ट्रंकेट आता है. क्रिएट, जैसे आपको मैं पहले बताया हूँ, क्रिएट कमांड हम क्रिएट डाटाबेस बनाने के लिए यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिखूंगा क्रिएट. मैं वीडियो बना के रखा हूँ क्रिएट सिंटेक्स का ऊपर, क्रिएट कमांड का ऊपर वीडियो के बना के रखा हूँ. क्रिएट कमांड बेसिकली किस चीज का ऊपर ही होता है आप देख लीजिए, फिर भी एग्जांपल दे देता हूँ. क्रिएट डेटाबेस परेश, तो बना सकता हूँ इधर. ठीक है, क्रिएट कमांड डेटाबेस के लिए यूज होता है सक्सेसफुली कमांड. ठीक है, एंड क्रिएट टेबल भी बना सकता है उसका अंदर. तो ऑन डिटेल में वीडियो बना के रखा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. आप वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. क्रिएट बेसिकली टेबल के लिए क्रिएट हो सकता है, डाटाबेस के लिए क्रिएट हो सकता है. क्रिएट कमांड बेसिकली दो चीज का ऊपर हम यूज कर सकते हैं इन एक्सक्यूएल में. ठीक है, एमएस एक्सक्यूएल में जो भी डीएमएस फॉर्मेट में आप यूज करना चाहते हो. एंड ऑल्टर कमांड होता है, इट इज यूज टू ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस. तो ऑल्टर स्ट्रक्चर, डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर होता है आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ऑल्टर मॉडिफाई कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, कुछ कॉलम को एड कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं इधर दिखाता हूँ. सपोज देखियो, मैं इधर ई आईडी लिखा हूँ, ई नेम लिखा हूँ. सपोज मेरा पास अभी कितना कलम है, सिक्स कलम है. सपोज मैं और एक कलम ऐड करना चाहता हूँ, तो इधर मैं अल्टर कमांड करके इधर ऐड करना, अल्टर ऐड करूंगा. अल्टर टेबल ऐड करके मैं दूसरा कलम नेम डाल सकता हूँ. ऐसे बेसिकली सिंटेक्स नहीं होता है, सिंटेक्स हम आगे जाके पढ़ेंगे. ठीक है, ऐड कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ अल्टर को, सब कुछ. कोई अल्टर में चेंज भी कर सकता हूँ अल्टर कमांड के थ्रू. अल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, सब अल्टर मैं बता दूंगा आपको आगे जाके. ठीक है, अल्टर कमांड बेसिकली होता है. एंड ड्रॉप कमांड जो होता है लाइक इज ए डिलेट, आप मान सकते हो, बट इट इज नॉट इक्वल टू डिलेट. ड्रॉप कमांड यूज टू डिलेट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर इन टू द टेबल. तो हम पूरा टोटल डेटाबेस को हम डिलीट कर सकते हैं, उसका अंदर टेबल को डिलीट कर सकते हैं, हम पूरा रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं. टोटल जितना भी हमारा रिकॉर्ड रहेगा ना, एक बार डिलीट हो जाएगा ड्रॉप कमांड के थ्रू. ठीक है,
और जो ट्रंकेट होता है, ड्रॉफ और ट्रंकेट एंड डिलेट, थ्री कमांड डिफरेंट डिफरेंट होता है। मैं आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर लूंगा थ्री कमांड का डिफरेंट बिटवीन क्या है ड्रॉफ ट्रंकेट एंड डिलेट का, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए बस। यूज टू डिलेट बोथ स्ट्रक्चर द रिकॉर्ड इन द टेबल, टेबल का हम जो भी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर टेबल का जो भी स्ट्रक्चर है बोथ रो एंड कॉलम्स का, उसको हम रिकॉर्ड को फुली डिलेट कम ड्रॉफ के द्वारा हम डिलेट कर सकते हैं। ड्रॉफ कमांड ऑपरेशन एग्जीक्यूट करके हम पूरा उड़ा सकते हैं डाटा हम, ठीक है, वो समझ लीजिए आप। एंड ट्रंकेट यूज टू डिलीट ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री फ्री द टेबल स्पेस। हम टेबल को ट्रंकेट यूज करके हम जो भी रोज है उसको रोज को डिलीट कर सकते हैं, बट कॉलम कॉलम हम नहीं डिलीट कर सकते। वो इट विल बी वर्क विथ सेम लाइक ए ड्रॉफ डिलीट, बट इट विल बी ओनली रिमूव फ्रॉम रोज ओनली नॉट कॉलम। एंड टेबल जो रो को हम स्पेस बना सकते हैं उसी रो को अंदर हम और कुछ डाटा ऑल्टर कमांड के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, नहीं समझ आएगा तो वीडियो स्टॉप करके बैक करके समझ लीजिए। और कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको और अच्छा से एक्सप्लेन करूंगा। तो नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, जो भी रिलेटेड आपको क्वेरी है मुझे बता दीजिए। वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो और कुछ प्रॉब्लम है मुझे बता दीजिए, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ जो भी आपका प्रॉब्लम है मैं आपको सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर ऑफ, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन।